सावन के आते ही शिवनगरी में गूंजने लगते हैं भोलेनाथ के जयकारे और धड़कने लगती है कांवड़ियों की धड़कनें। इंतजार भोलेनाथ के शिवलिंग पर घड़ों में भरा पवित्र गंगाजल चढ़ाने का रहता है। देश के विभिन्न हिस्सों से कांवड़ियों का जत्था शिवनगरी कूच करने की तैयारी में जुट जाता है। लक्ष्य होता है अपने प्रिय भोलेनाथ के नगरी पहुँचना। दो वर्षों तक कोरोना के काले साए ने भगवान और भक्तों के बीच दूरी बनाए रखी। दो वर्षों तक कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं हुआ। भक्त अपने भोलेनाथ से मिलने के लिए बेचैन थे। अब कोरोना परिस्थितियां सामान्य हुई है और कांवड़ यात्रा का आयोजन भी होना है। देवघर यानी देवताओं की नगरी, जहां साक्षात महादेव वास करते हैं। सावन महीने में देवघर नगरी में लाखों भक्तों का समागम होता है। दूर दराज से कांवड़िए पैदल चलकर शिव जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। यह भारत का 12वां शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है। बैद्यनाथ मंदिर के साथ यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल केंद्र है। यह क्षेत्र के सबसे बड़े शहर भागलपुर से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। भारतीय रेलवे ने कांवड़ियों के लिए 3 स्पेशल ट्रेन का तोहफा दिया है। 14 जुलाई से बिहार झारखंड के बीच 3 कांवड़िया स्पेशल ट्रेन चलेगी। हालांकि गाड़ी की संख्या अब तक निर्धारित नहीं की गई है। मध्य रेलवे ने पटना गया रक्सौल से भागलपुर और जयसीडी के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। भीड़ बढ़ने से और भी ट्रेन बढ़ाई जा सकती है। कांवड़ियों के लिए यह राहत भरी खबर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 साल तक बंद रही कांवड़ यात्रा के वजह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ कांवड़ियों की भीड़ उमड़ सकती है।